अधिकतर मनुष्यों का अभ्यास होता है। यदि कोई व्यक्ति छोटा हो तो उस पर ध्यान न दे। आयु में, व्यापार में, समृद्धि में, पद में यदि कोई छोटा हो तो उसके पास जाने से कतराते हैं, उसका साथ देने से कतराते हैं। परंतु तनिक सोचिए, यदि चींटी के साथ मित्रता ना हो तो उसके साथ शत्रुता एक हाथी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पांव में पड़े तिनके को हम पांव से कुचल देते हैं, परंतु यदि उसी तिनके को हवा का सहारा मिल जाए तो आंखों में पड़कर बड़ा कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए यदि किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी ना साधे। कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बिटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है, और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं, ना ही विलाप करता है। वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिएगा, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है? कौन कठिनाइयों से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं। आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे? तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं? सोचिए। मैं बताता हूं, ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों से दूर भागते हैं, समस्याओं से दूर रहते हैं, और यही आप सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। समस्याएं ऐसे जंगली पशु के समान होती है, जिससे आप जितना दूर भागेंगे वो उतना ही विकराल रूप धारण कर लेगी और अंततः आपका अंत कर देगा। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए? इसका हल क्या है? इस समस्या का हल है कि आप अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी दृढ़ता से उस समस्या को छोटा कर दें। यदि नाविक को कुशल खेवैया बनना है तो वो शांत समुन्दर में नहीं बन सकता, उसे तूफान का सामना करना पड़ता है। स्मरण रखिएगा, कभी वन में सिंह को अखेट करते देखा है? हमें लगता है कि सिंह तेजस्वी है, बलशाली है, तीव्र है, इसलिए वो अखेट कर पाता है। परंतु इस अखेट के दूसरे पक्ष को भी देखने का प्रयास कीजिए। सिंह अखेट तभी कर पाता है जब हिरण आस छोड़ देता है, जब वो भागना बंद कर देता है, जब वो संघर्ष करना छोड़ देता है। सिंह हिरण की मृत्यु नहीं चुनता, हिरण स्वयं अपनी मृत्यु चुनता है। ठीक उसी प्रकार असफलता हमें नहीं चुनती, हम असफलता को चुनते हैं। ये हम ही हैं जो आशा को छोड़कर संघर्ष करना छोड़ देते हैं और भाग्य का अखेट बन जाते हैं। इसलिए संघर्ष करना मत बंद कीजिए, प्रयास करते रहिए और सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। वृक्ष जब फलता है तो कितना सुंदर लगता है, उसकी डालियां झुक जाती हैं। जितने अधिक फल
उतनी झुकी डालियां। कारण, वृक्ष कहता है कि मेरे इन फलों को तोड़ो, उसका आनंद लो। इससे एक ओर हमें वृक्ष के मीठे फल खाने को मिलते हैं, तो दूसरी ओर वृक्ष के स्वयं का बोझ कम हो जाता है। इसी भांति यदि आप सफल हैं तो अहंकारी मत बनिए, विनम्र रहिए। ये विनम्रता ही आपके बोझ को कम करेगी। और यदि आप विनम्र ना रहे, झुके नहीं, तो आप अपनी ही सफलता के फलों के बोझ से टूट कर गिर जाएंगे। आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको ज्ञात है बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाएं, वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती है और इस वृक्ष को सहारा देती है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करें, अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। मनुष्य की लालसा बड़ी विचित्र होती है। सफलता पाने के लिए वो अंधी दौड़ में भाग लेता है, जीवन का लक्ष्य पाने के लिए वो जीना छोड़ देता है, स्वयं को और अपने समय को ऐसे व्यय करता है जैसे कि वो अमर है, कभी मरेगा ही नहीं। और जब मृत्यु की घड़ी समीप आती है तब उसे आभास होता है कि वो वास्तव में कभी जिया ही नहीं। रक्त श्वेत बहाकर, अपना स्वास्थ्य बिगाड़कर असीमित धन कमाते हैं और फिर उसी बिगड़े स्वास्थ्य के उपचार के लिए उसी धन को पानी की भांति बहाते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। है ना विचित्र बात। तो किया क्या जाए, इस समस्या का हल क्या है? इस समस्या का हल है शांति। अपना मन शांत रखें और अपने जीवन का हर क्षण ऐसे जियो जैसे कि आज आपका अंतिम दिन हो। अपने जीवन में इतनी शांति से ज्ञान अर्जित करो जैसे कि आप अमर हो। मरना तो एक ना एक दिन सभी को है, परंतु इस विधि से आपका जीवन सरल, संपन्न और सफल हो जाएगा। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है, आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है, आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरा पान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है
जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। जीवन एक द्वंद्व नहीं, एक महासंग्राम है जो जीवन भर चलता है, और इस युद्ध में विजय वही प्राप्त करते हैं जो कठिनाइयों से लड़ते हैं, जो गिरने के पश्चात भी उठने का साहस रखते हैं। जब एक पक्षी अपने घोंसले की नींव का पहला तिनका रखता है तो वो तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है। यदि वो पक्षी हवा से हार मान, यदि वो पक्षी घोंसले की नींव रखने का साहस छोड़ दे तो वो अपने जीवन में कभी भी नींव का निर्माण नहीं कर पाएगा। यदि नई नींव का निर्माण करना है, नई सृष्टि का आवाहन करना है तो बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता, अगले दिन सूर्य फिर से जगता है और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। जो थकते नहीं, जो गिरने के पश्चात फिर से उठते हैं, जो बार बार प्रयत्न करते हैं, विजय उन्हें ही मिलती है। जीवन में सभी केवल सफल होना चाहते हैं, केवल विजय चाहते हैं। कोई भी पराजित नहीं होना चाहता, कोई भी असफल नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसके प्रयास व्यर्थ जाएं। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उचित भी है, परंतु असफलता में भी एक अच्छी बात छिपी होती है। कैसे? मैं बताता हूं। सफलता आपका परिचय संसार को देती है। विजय के पश्चात संसार आपको जानने लगता है, और असफलता आपका परिचय संसार से करवाती है। पराजय के पश्चात आप अपने जीवन को जानने लगते हैं। इसलिए सफलता और असफलता से घबराए नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो यही असफलता, यही पराजय आपको और अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेगी और जीवन में विजयी बनाएगी।